हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव केमिस्ट्री। तो हमने लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में सारे के सारे चीज पढ़ लिए थे, जितने भी नोमेनक्लेचर थे लाइक सिस्ट्रंस एंड इजेंट एंड उसके साथ साथ सीना एंड एंटी, ये सारे खत्म कर लिए थे। तो आज हम उसके बाद का पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कुछ और भी एग्जाम्पल्स आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पहले बताऊंगी, फिर हम जाएंगे ऑप्टिकल की तरफ, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल में आपने एक बार नोटिस की होगी, वहाँ पे क्या होता है, डबल बंड की जरूरत होती है, लेकिन एक डबल बंड होने की जरूरत होती है एंड सेम साइज में क्या होता है, एक एक तरह के ग्रुप नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि एक अगर एक कार्बन में दो सेम ग्रुप आ जाते थे तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता था, पता चुकी हूँ वो सारी बातें। तो एक बात अगर मैं आपको पूछूंगी, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए डबल बंड की ही जरूरत होती है, क्या ये सही है? नहीं, हमेशा नहीं होता। इसके रीजन क्यों, देखो डबल बंड की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि वहां पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। देखो क्या होता था, एक डबल बंड अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी इस तरह, कंपेयर हमने पहले एग्जांपल में क्या किया था, ये CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 यहाँ पे H, ये वाला एग्जांपल किए थे। ये क्या होता था, आज ये सेम साइट में है, ये क्या होता था, ये सीस कंफर्मेशन शो करता था। तो यहाँ पे जो डबल बंड है इसकी जरूरत इसीलिए थी क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता था। ओके, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, मतलब ये जो है CH3 एंड एच जिस तरह से यहाँ पे मैंने दिखाया इस तरह ही रहेगा, ये रोटेट करके ये यहाँ से नहीं, यहाँ पर नहीं चलाएगा। अगर यहाँ पे वो सब हो रहा होता, मतलब अगर यहाँ पे रोटेशन हो रहा होता तो CH हम डिसेंड नहीं कर पाते, मतलब ये C से ये ट्रांस है ऐसा हम नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि अगर हम सीस पर ले आ रहे वो कुछ देर के बाद रोटेट करके तो ट्रांस में आ जाता, वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों बताते हम, सीस इस तरह से होता है, ट्रांस इस तरह से होता है, उसमें कुछ मतलब प्रॉपर्टीज डिफरेंट आते हैं, ये सब क्यों बता रहे, क्योंकि डिफरेंट तरह से एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा, किसी तरह का रोटेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बंड है। डबल बंड का मतलब क्या आ गया, देखो डबल बंड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, है कि नहीं। कैसे sp2 हाइब्रिडाइज कैसे, देखो क्या होता है, एक आपको ट्रिक बता देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप उस वीडियो को देख लो पहले, फिर आपको पता चल जाएगा sp2 या sp3 कैसे आ रहा है। ओके, तो देखो ट्रिक बता देती हूँ पहले, अगर हमारे पास पाई बंड जीरो है, जीरो पाई बंड है, तो ये sp3 दिखा रहा है, ये कार्बन के लिए, याद करो ये कार्बन के लिए, कार्बन में अगर एक कार्बन में यहाँ पे क्या होता है, डबल बंड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, अगर जीरो पाई बंड है तो sp3, अगर एक पाई बंड है तो क्या बन जाएगा, ये sp2, अगर दो पाई बंड है तो ये बन जाएगा sp, ठीक है। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख लो पहले, फिर ये वाला आपको ट्रिक के लिए बता देते हैं। मतलब कार्बन चेन, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते थे तो नंबर ऑफ कार्बन चेन होते थे, तो एक एक करके हम स्ट्रक्चर तो मतलब देख देख के तो नहीं कर सकते, कुछ ट्रिक चाहिए जो हमको देख के ही पता चल जाएगा कि मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसका क्या है, sp2, sp2 का मतलब स्ट्रक्चर होता है लीनियर। ये कैसे होता है देख लो पहले वीडियो, फिर आपको पता चल जाएगा। अब आप मतलब अगर आपको नहीं पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो ये सब आपको नया नया लगेगा, तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख लो, फिर आप ये वाला देखो। ओके, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे sp2 है, मतलब ये इस तरह से बंद करेगा, sp2 मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर, मतलब ये इस तरह से होता है, कार्बन तीन है ना, sp2 s1 है, p2 है, तो दो p एंड एक s मिलके sp2 हाइब्रिडाइज वेक्टर बनाता है, उसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लानर। तो देखो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया इस तरह से हो गया। फिर बाकी जो p रह गया, कार्बन में क्या होता है, मतलब 1s2 2s2 2p2, ये होता है कार्बन 6 है ना, 2 2 2 6 है कार्बन, 6 एटॉमिक नंबर इसका। तो यहाँ पे क्या होता है, एक s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, तो क्या बन जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे p पे आ गया, तो ये बन जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक p ऑर्बिटल क्या हो गया, ऑन हाइब्रिडाइज है, एक p क्या है, ऑन हाइब्रिडाइज है, तो p का स्ट्रक्चर क्या है हमें पता है, डबल स्ट्रक्चर है, तो ये बन गया। यहाँ पे जो सिग्मा बंड होगा एक, और यहाँ पे जो क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैप होता है, जो p ऑर्बिटल मतलब इस तरह से डबल स्टेप होता है ना, उसका
जिसका ऊपर से एक ओवरलैप और नीचे से एक ओवरलैप होता है, तो ये क्या बन गया, एक रिजिड बॉन्ड बन गया। ओके, एक सिग्मा बॉन्ड है बीच में, ऊपर में थोड़ी सी ओवरलैप हो रही है, नीचे से थोड़ी सी ओवरलैप हो, वो बन गया क्या पाई बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, रिजिड स्ट्रक्चर। एक अगर आप देखो, एक आपके पास एक लकड़ी है सिंगल से, तो उसको आप रोटेट कर सकते हो, लेकिन जितने जितने ज्यादा लकड़ी आप पकड़ोगे उसको रोटेट करना आसान नहीं होगा, वो नहीं करेगा रोटेट। ओके, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बन गया। ओके, तो इस यहाँ पे ये जो बॉन्ड है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से, ये क्या करेगा, सिक्स ट्रांस दोनों तरह का आइसोमर दिखाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से हमें सिक्स ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल रहा है, तो क्या इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कोई भी सिंगल बॉन्ड में पॉसिबल है क्या, देखते हैं क्या पॉसिबल है। देखो एक एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे मैं एक सिंगल बॉन्ड बना रही हूँ रैंडमली, यहाँ पे कोई सी एस सी लग गया, यहाँ पे एच है, यहाँ पे कोई भी सी एल है या कुछ भी सी एस सी एच सी एल, तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये सिक्स ट्रांस दिखाएगा। यहाँ पे तीनों के तीनों एक कार्बन पे डिफरेंट है, यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, पर यहाँ पे ये नहीं कि मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड है। एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, इस ये क्या करेगा, रोटेट करके बहुत सारे कॉन्फिगरेशन आ सकता है, मतलब ये सी एस सी सेम साइड में रह सकते हैं। अगर ये रोटेट यहाँ पे सी एस सी है ना, ये अगर रोटेट कर गया तो सी एस सी यहाँ पे आ सकता है, और रोटेट कर यहाँ से आ सकता है, सी एल यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, और इस तरह से भी रोटेशन हो सकता है। तो क्या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, यहाँ ये साइक्लोप्रोपेन है, तो यहाँ पे जो साइक्लिक ग्रुप है, यहाँ पे साइक्लिक प्रेजेंट है, मतलब इस तरह से ट्राइंगल प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो इसका बॉन्ड जो है वो रिजिड बॉन्ड है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक अगर ग्रुप है तो अगर यहाँ से रोटेशन होगा, मतलब यहाँ पे एक दो बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ से रोटेशन होगा, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या होता है, ये सब रिजिड बॉन्ड होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई सी एस सी लगा है, यहाँ पे एच लगा है, ठीक है, मतलब ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो होगा, मतलब यहाँ पे देखो क्या है, ये सिंगल बॉन्ड सारे हैं, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ पे ये दोनों प्लेन में है, तो सोच लो कि हाइड्रोजन क्या है, हमारे मतलब प्लेन से आगे आ रहे हैं और सी एस थ्री प्लेन के पीछे है, तो यहाँ पे भी सी एस थ्री क्या है, प्लेन के पीछे है, है कि नहीं। तो सेम साइड में आया, सी एस थ्री क्या है, पीछे दोनों आ रहे हैं, मतलब सेम साइड में आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये सिस बन जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे हम ये बनाएंगे कि सी एस थ्री यहाँ पे एक बना ले, यहाँ पे एक सी एस थ्री बना ले, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सी एस थ्री आगे एक आ रहा है और वहां पे पीछे जा रहा है, मतलब ऑपोजिट साइड में जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा, समझ में आया। इस तरह से होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर भी ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये क्या है, रिजिड बॉन्ड है, समझ में आया। उसी तरह साइक्लोब्यूटेन में भी हम कर सकते हैं, साइक्लोपेंटेन में भी कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को देख के हम करेंगे। ओके, और एक बात बता दो, देखो अगर साइक्लोप्रोपेन या हेक्सेन जो भी आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड बॉन्ड ही रहेगा, मतलब वो एक ही तरह की दिखाएगा स्ट्रक्चर, मतलब क्या, देखो यहाँ पे जो ये है बॉन्ड जो है, ये क्या हो रहा है, एक तरफ से जा रहा है, मतलब सेम स्ट्रक्चर जो है वो ही रहेगा, मतलब अगर हम साइक्लोब्यूटेन बनाएंगे इस तरह से, वो इस तरह ही रहेगा। लेकिन एक एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ, ये देखो अगर हम इस तरह से कोई कंपाउंड बनाते हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन रिंग आ गया, है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, जितने रिंग हमारा बड़ा होता जाएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ये जो क्या है इस तरह, मतलब साइक्लिक इस तरह से रह सकता है, और क्या हो सकता है, वो इस तरह भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह भी रह सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मतलब कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन से ये दोनों सीस की तरह है, एक तरफ से है ना, तो सीस की तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे सीस बन गया, लेकिन इस बॉन्ड को अगर देखें, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रहे हैं, कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो बॉन्ड मतलब रिजिड तो रहेगा, लेकिन ये सिस ट्रांस अगर हम देखेंगे वो चेंज हो रहा है। ओके, तो क्या करेंगे हम,
जहाँ पे यहाँ पे हम जो भी जगह पे डबल बंड दे देंगे ये क्या बन जाएगा, सिस बनेगा। ओके ये गया एक तरह के एग्जांपल। उसी तरह हम कोई भी कंपाउंड में मतलब सिस्टर्स बना सकते हैं उसकी ग्रुप के हिसाब से। लेकिन अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप में अगर एक डबल बंड आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक हमारा लिंक अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन अगर लेस देन 6 या 7 तक है वो क्या करेगा, मतलब सिस ही कॉन्फिगरेशन देखा आ गया लेकिन 6 या 7 से अगर ज्यादा हो गया तो क्या करेगा वो सिस के साथ साथ ट्रांस भी दिखा सकता है। हम ये नहीं कह सकते सिस ही दिखाएगा। तो देखो इस तरफ से अगर हम जाएंगे तो अगर यहाँ पे कार्बन है ठीक है, यहाँ पे कोई सी एस टू ग्रुप है ओके, और यहाँ पे कोई सी एस थ्री है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है सी एस थ्री है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह है कंपाउंड डिवाइडर। तो आपको पता करना है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बंड है कि नहीं। फिर देखेंगे हम क्या इस कार्बन में कोई सेम ग्रुप है, नहीं है, यहाँ पे ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, यहाँ पे ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है कि नहीं। फिर देखो क्या होगा, ये जो साइक्लिक रिंग आज प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये हमेशा सिस की तरह ही रहेगा। देखो साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है मतलब डबल बंड भी है, इस तरह एक ही तरफ से रहेगा, यहाँ पे हमें पता है कि सिस ही आएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे रिंग का साइज बढ़ता जाएगा तो ये सिस होगा हमेशा, ये हम नहीं कर सकते। और अब देखो कोई भी रिंग कंसिडर करो, साइक्लिक 7 मेंबर रिंग देखो तो आपको क्या रहेगा, ये जो इस तरह से होगा स्ट्रक्चर तो आपको लगेगा हाँ हर तरफ से ये क्या रिंग हो रहा है ना, तो ये क्या करेगा एक सेम साइड पे आ रहा है। जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, ये 6 मेंबर देखो इस तरह से बनाते हैं, मतलब ये यहाँ पे भी सिस आ रहा है, यहाँ पे डबल बंड लगा लो सिस, यहाँ पे डबल बंड लगा लो सिस, हमेशा क्या आ रही है वो एक तरफ से ही आ रहा है। तो हमें ये नहीं कह सकते हम कि हमेशा सिस आएगा, कब जब नंबर ऑफ कार्बन रिंग के स्ट्रक्चर जब ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हम ये नहीं कह सकते हमेशा सिस आएगा, कभी कभी क्या होता है ट्रांस भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखो एक बता रही हूँ, देखो देखो यहाँ पे जैसे साइक्लोब्यूटेन में हमने किया था ये डबल बंड है, ये क्या मतलब कोई भी ट्रांस स्ट्रक्चर ये नहीं लग सकते, ये हमेशा सिस ही रहेगा, क्या रहेगा सिस रहेगा, वो जो दोनों कार्बन है वो एक तरफ ही रहेंगे। लेकिन अगर हम एक बड़ा रिंग लेते हैं देखो, जिसे यहाँ से क्या कर रहे हैं हम ये स्ट्रक्चर लेते हैं, कितने कार्बन का है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर देंगे ओके। तो यहाँ पे कहीं पे भी हम अगर ये वाला डबल वन बना ले यहाँ पे बना ले तो क्या बन गया, ये देखो क्या हो रहा है सिस कॉन्फिगरेशन आ रहा है। तो क्या इसका ट्रांस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, देखो हम बनाते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बन गया। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, इस तरफ से जा रहा है, ये क्या है इस तरफ से जा रहा है, तो ये क्या बन गया ट्रांस बन गया ओके। तो क्या यहाँ पे हमने क्या कंफ्यूजन ड्रॉ किया कि जितना नंबर ऑफ कार्बन आटम हमारा बढ़ते जाएंगे रिंग में, अगर अब हम साइक्लिक रिंग ले रहे हैं और हमारी डबल बंड क्या हो रही है ज्यादा है 6 से 7 से ज्यादा है, तो हम क्या पाएंगे सिस के साथ साथ ट्रांस भी पाएंगे। लेकिन अगर हमारा रिंग छोटा है मतलब 3 4 या 5 मेंबर वाला रिंग है तो यहाँ वहां पे क्या हम सिर्फ सिस कॉन्फिगरेशन ही पाएंगे, जहां पे भी हम डबल बंड लगा ले सिर्फ हमें सिस कॉन्फिगरेशन मिलेगा क्योंकि वहां पे वो ट्रांस स्ट्रक्चर कॉन्फिगरेशन मतलब नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है आज बहुत बॉडी बड़े से रिंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रांस एंड सिस दोनों आएंगे, समझ में आया। तो अब हम ज्योमेट्रिकल के जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो सारे हमने बता दिए और एक एग्जांपल आपको बताते हुए जाएंगे। देखो हमने अब तक जितने भी कंपाउंड्स किए सिर्फ रिंग में किए और सिर्फ मतलब चेन में किए, दोनों तरफ से कंपाउंड किए, मतलब लास्ट क्लास में हमने चेन में किए थे अब हम रिंग में किए। तो अगर चेन एंड रिंग मिलके अगर प्रेजेंट हो तो किस तरह से करेंगे, देखो अगर एग्जाम्पल इस तरह से हो, इस तरह से कोई कंपाउंड है ठीक है, इस तरह से कंपाउंड लेट यहाँ पे सिर्फ CH3 CH2, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे कोई CH3 है ओके। तो आप फटाक से बोल दोगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, क्यों नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों सेम ग्रुप है तो यहाँ पे नहीं करेगा ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ CH2 CH3 यहाँ पे CH2 CH5 यहाँ पे CH3 क्या अब शो करेगा, देखे बोलो यस करो क्या शो करेगा,
करेगा नहीं करेगा, क्यों? इस तरफ से हमने डिफेंड कर लिए, लेकिन इस तरफ का क्या? यहाँ पे देखो, इस कार्बन 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 जो जिस तरह से है, यहाँ पे जाने पे भी उसी तरह से है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस रिंग में अगर कुछ भी डिफरेंस आया तो मे बी वो शो करेगा। देखो, अगर यहाँ पे हमने ये एक सी एस सी लगा दिया, क्या अब करेगा? देखो, यहाँ से जाने पे भी 1, 2, 3 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, यहाँ से जाने पे भी 1, 2, 3 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो ये भी नहीं करेगा, तो कहाँ पे करेगा? अगर इस तरह से कोई यहाँ पे अगर सी एस सी आ गया तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा देगी? इसको प्रायोरिटी ज्यादा देगी, है कि नहीं? एंड ये कम हो जाएगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आया? उस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये बन गया 1, ये बन गया 2। वो सारे बता चुकी हूँ फॉर्मूले जो भी है, अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख लो। फिर यहाँ पे आओ कि ईजेड कहाँ किस तरह से होता है, सी नाइनटी किस तरह से होता है, सिस ट्रांस कहाँ से होता है, वो सारे आपको इस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पहले वीडियो में मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आ जाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये बन गया 1, ये बन गया 2। इस तरफ से ये बन गया 1, ये बन गया 2। कहाँ पे आ रहे? ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब ट्रांस। ट्रांस के मतलब क्या बन गया? ये बन गया। समझ में आया? अगर आपको इस तरह से कंपाउंड कोई भी मिल गया तो आप इस तरह से नोमेनक्लेचर करना उसका, कि ये ई है या जेड है, किस तरह से करना है उसको पहले देखो कि सेम तरह से आ रहा है या डिफरेंट तरह से आ रहा है, पहले वो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है फिर आप जाना रूल के हिसाब से, ओके? वरना बेकार में आप सोचते रह जाओगे कि ये क्या हो रहा है, तो सारे तरफ से आप मतलब सजेस्ट ही नहीं कर सकते कि 1 कहाँ पे होगा, 2 कहाँ पे होगा, तो अगर प्रायोरिटी ही नहीं दे सकते तो इधर कहाँ से करोगे, है कि नहीं? तो पहले आप मतलब देख लो कि यहाँ पे कोई डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, अगर प्रेजेंट है फिर जाओ इधर की तरफ। समझ में आया? तो सारी की सारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जितने भी टाइप्स थे मैं कुछ कुछ करके बता चुकी हूँ, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।